नमस्कार, मैं हिमानी श्रोत्रिय और आप सभी को ग्रामीण भारत परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। 7 जनवरी 2023 से माघ का महीना शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में माघ के महीने का विशेष महत्व होता है। माघ के महीने में कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें से मकर संक्रांति एक प्रमुख त्योहार होता है। मुख्य रूप से हर वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। कभी कभी यह एक दिन पहले या एक दिन बाद भी मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस तिथि से सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व होता है। यह त्योहार पूरे भारत वर्ष के साथ साथ नेपाल के भी कुछ इलाकों में मनाया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरह के नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश समेत देश में कई जगहों पर इस त्योहार को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कुछ हिस्सों में इस त्योहार को खिचड़ी भी कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक में इसे संक्रांति कहते हैं और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस पर्व पर नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू के रूप में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर प्रांत में इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग होता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व में पकवान भी अलग अलग बनते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी बनाने का महत्व विशेष होता है। इसके अलावा तिल और गुड़ को भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व दिया गया है। मकर संक्रांति को स्नान और ध्यान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन तीर्थों एवं पवित्र नदियों में स्नान का बेहद महत्व होता है। साथ ही तिल, गुड़, खिचड़ी, फल एवं राशि अनुसार दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। इन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति पर्व एक और उत्साह से जुड़ा हुआ है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन होते हैं। लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।